अभी दास रावत फायर करने ने पटेल अपने टाइम में अपने टारगेट पर दास रावत नंबर एक फायर। बोलो स्थापित, नीचे बैठ जाते मानजान पटेल अनलोड। चालो पर रोके खड़े हैं, सच्चे भाई टर्न करें, पिस्टल वाले होशियार होकर खड़े हैं, टारगेट बने सामने। नाज़रीन, पुलिस का ऑपरेशन विंग हो या इन्वेस्टिगेशन विंग हो, वेपन हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल रखता है। पुलिस में तीन पूल हो, दो पूल हो, एक पूल हो या पूल ना हो, वेपन हैंडलिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। लाहौर में किला गुजर सिंह में आज पुलिस के जितने अहलकार हैं उन्हें वेपन हैंडलिंग की, एम टू पॉइंट, एम टू शूट की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो जब कभी मुकाबला करें, मुलजमों को ट्रेस करें, चेस करें, वो अपने निशाने से कभी ना खता पाएं। आइए आज आपको दिखाते हैं, वेलकम टू द पुलिस लॉ। तेल, अपने रेप, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तेल, अपने टाइम में अपने टारगेट पर 10 राउंड नंबरिंग फायर। सेफ्टी ऑन करें, नंबर पीछे ऑफ करें। नागिन तारो अनलोड पर सिर्फ खड़े होना और कुछ नहीं करना। टेल अनलोड, पचास स्लाइड, छोड़ो आगे स्लाइड, फ्लैश टैगर, सेफ्टी सेफ, ग्राउंड आप चेक टारगेट। नंबर वन, आपकी ग्रिप लूज है भाई, आधा फायर ऊपर गया आधा नीचे, मजबूत पकड़े आगे। नंबर टू, सिर्फ 4 हिट हुई है, कंट्रोल करें फायर, शिश्त लेकर। नंबर थ्री, गुड शाबाश, लेकिन 2 गोलियां साइड पे गई हैं, ग्रिप आप और ज्यादा और ट्रैगर कंट्रोल, ठीक है। नंबर फोर, गुड शाबाश, अच्छा ग्रुप है आपका। नंबर सिक्स, वेरी गुड शाबाश। नाज़रीन, अभी ये जो हमारे ऑफिसर्स हैं इन्होंने फायरिंग की, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बताया कि किसी की ग्रिप लूज है, किसी की ऑन टारगेट है, किसी को रेपिटेशन की ज़रूरत है और कोई दोबारा भी करेगा। ये सारा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया जाता है कि जब हमारे ऑफिसर्स, चाहे इन्वेस्टिगेशन के हैं, ऑपरेशन के हैं, जब कभी ये फील्ड में हो और जब कभी इन्हें एम टू पॉइंट, एम टू शूट और वेपन हैंडलिंग का मौका है, तो ये कहीं किसी पॉइंट पर लैक ना करें, वो अपने जो उनका फुलफ़िल करें, जो उनके डिटर्मिंड हैं, जो गोल्स हैं उनके, उनको फुलफ़िल करें। और ये सारे का सारा प्रोसीजर जारी रहेगा। हमारे पास बाहर ऑफिसर्स थे, हमारे पास अंदर ऑफिसर्स हैं, और ये राउंड द क्लॉक चलता है और 365 दिन चलता है। ये नहीं कि एक दिन मखसूस है, क्योंकि इनकी ड्यूटी अगर डेली है तो इनके वेपन्स के साथ इनका लेना देना भी डेली है। आइए चलते हैं, आपको अब दिखाते हैं SMG की, जो अभी एम टू पॉइंट और एम टू शूट की ट्रेनिंग होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद सरफराज साहब मौजूद हैं, जो इस सारे प्रोसेस को देख रहे थे। ये जो हमारे ऑफिसर्स थे, जब वो फायरिंग रेंज में फायरिंग कर रहे थे, उनको जजमेंट भी इन्हीं की थी और ये आगे रिकमेंड भी करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सरफराज साहब, मुझे बताइए, ये क्यों ज़रूरी है? एक मरतबा जब भर्ती हो गए, बंदूक को चलाना सीख लिया, फिर क्या ज़रूरत क्यों है इसकी? ये इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह के मुल्क हालात हमारे सामने, तो हर जवान हमारा इस काबिल हो कि अपने टारगेट को फासले से हिट कर सके। और वेपन का सिखलाने का मकसद भी कि दुश्मन को फासले से हिट किया जाए।
तो इसके लिए हम इसकी फायर प्रैक्टिस कराते हैं ताकि ये अपने टारगेट को ही सिर्फ हिट करें, किसी दूसरे किसी बेकसूर दूसरे किसी शख्स को हिट ना करें। तो इसलिए हम वो चेक करने के लिए यहाँ पर इनसे फायर करवाते हैं और उसके बाद फिर चेक करते हैं कि वाकई इसने अपने टारगेट को हिट किया है, किसी साइड पर इसने अपना फायर किया है। तो उसके लिए फिर जो टारगेट को हिट नहीं करता उसे हम यहाँ पर सज़ा भी देते हैं, पुशअप की सूरत में या कोई रन की सूरत में, और जो फेल हो जाता है उसे दोबारा फिर यहाँ पर बुलाते हैं। तो क्या उनकी जो ACR होता है और जो उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है उसमें मेंशन होती हैं चीज़ें? जी, ये चीज़ें हम इसका रिकॉर्ड रखते हैं, CCPO साहब के ऑफिस की कापी जाती है कि भाई इतने जवानों ने फायर किया, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 जवान या 40, इतने पास हुए हैं, इतने जवान इसमें फेल हुए, और जो फेल हो गए हैं उनको दोबारा से रिपीट करना, दोबारा रिफ्रेशर कोर्स होता है। नाज़रीन, ये एक बड़ा अच्छा एक मैकेनिज्म है कि ये सिर्फ एक ज़ुबानी जमा खर्च नहीं है, फायरिंग हुई हर एक राउंड का हिसाब रखा गया कि किस जवान का वो टारगेट पे लगा और किस जवान का नहीं लगा, जिसका नहीं लगा उसकी एक एनुअल रिपोर्ट उसकी जो पर्सनल फाइल है उसमें मेंशन किया जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम उसको भी तंबीह हो और जो सही कर रहा है उसके लिए भी एक शाबाशी हो कि उसने नेक्स्ट टाइम मज़ीद बेहतर करना है। स्प्रिंग टेस्ट टाइगर सेफ्टी सेफ। नाज़रीन, अभी ये जो इन्होंने फायरिंग रेंज में फायरिंग का मुजाहरा किया इसे कहते हैं सब मशीन गन। इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा होती है और ये पानी में भी काम कर जाती है। ये तमाम फायरिंग्स सिर्फ और सिर्फ इस वजह से करवाई जाती हैं कि जो हमारे जवान हैं हर तरह के हालात के लिए रेडी हों, क्योंकि जब आप पुलिस में हैं आपको कुछ भी फेस करना पड़ सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान और वक्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।